बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड्डू, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डू की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन तुम आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड, सूजी और दो अंडों का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो करते हैं शुरू। ये मैंने चार पीस ले लिए ब्रेड के। ये चार पीस हैं ब्रेड के। अब इनको मैं ना ऐसे कर लेती हूँ छोटा छोटा। इसके बनाने हैं क्रम्स। अब इसके बना लेते हैं क्रम्स। ये देखे क्रम तो मैंने बना लिए ब्रेड के। अब इनको करते हैं फ्राई। पैन मैंने रख दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर लिए। ये जो क्रम बनाए हैं ना, घी वगैरह नहीं डालना, बस इसकी मैसे ही बनाई करूँगी। अब इसको ना यानी कि रोस्ट करना, बुनाई करनी है इसकी। फ्लेम आपने इतनी हाई नहीं रखनी, कम ही रखनी है। अगर ज़्यादा हाई करेगा तो फिर वो ये ब्रेड क्रम है ना जो जल जाएंगे। बस ऐसे ही इसको हिलाते जाना है। हल्का गोल डल कर लाएगा ना तो फिर इसको नीचे उतार देंगे। ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया और खुशबू भी आ रही है। इसकी बनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब इसको उतारते हैं नीचे चूल्हे से। ब्रेड में क्रम्स मैंने कर लिए। अब करती हूँ सूजी। ये एक कप मैंने घी का लिया, एक कप सूजी का और एक कप ही मैं ये डाल रही हूँ घी, यानी कि जितनी सूजी उतना ही घी। घी गर्म हो गया, अब डालते हैं सूजी। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। अब इसकी भी अच्छी तरह से बनाई कर लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक ना इसकी बनाई करेंगे। फ्लेम आपने इतनी तेज़ नहीं रखनी, ये भी लो फ्लेम फ्लेम पे ही होगा। ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगी। टाइम तो इस पर लगता है। ये देखिए सूजी को भी कलर आना शुरू हो गया। सूजी का कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। बस थोड़ा सा भी इसको और करेंगे गोल्डन। देखे माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। कलर देखे इसका कितना प्यारा, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब सूजी को भी इसी तरह ही करना है गोल्डन ब्राउन। इसको भी इसी तरह ही लाते रहना। और ये तीन चार लाची के दाने निकाले मैंने, वो डाल देती हूँ।
खुशबू के लिए, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है हलवे में। अब आगे सर्दियों का मौसम आना है तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। हलवे तो कई तरह के होते हैं, गाजर का, सूजी का, कद्दू का, लौकी का, पेठे का, मगर ये जो हलवा सूजी का होता है ना, ये तो फिर वो कहते हैं ना सब हलवों का बादशाह। बहुत मज़े का बनता है। अब थोड़ा सा कलर और आएगा तो फिर अगला स्टेप करेंगे शुरू, आगे क्या करना है। भी देखे बनाई होगी है माशाल्लाह से, जो देखे कलर कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। अब ये जो बनाए हैं ब्रेड क्रम्स, ये भी इसमें डालती हूँ तो फ्लेम जो है वो मैं बंद कर देती हूँ। इसको अच्छी तरह से करती हूँ मिक्स। फ्लेम मैंने बंद कर दी है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कलर देखे माशाल्लाह से गोल्डन कलर बनाई, अच्छी हो सूजी की तो फिर ही हलवा मज़े का बनता है। चूल्हे से नीचे उतारते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब इसके लिए तैयार करते हैं अंडा और दूध। अब मैं बना लेती हूँ इधर ये अंडे, ये दो अंडे मैंने लिए हैं। जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी से कप से मैंने ये चीनी ली है। ये वाले कप से मैंने ना ली थी, एक कप सूजी का लिया था और एक ही यानी कि घी का लिया और एक ही ये चीनी का, यानी कि तीनों चीज़ें बराबर ही डालनी है। अब ये मैं डाल रही हूँ चीनी। अब ये वही यानी के ले लिए मैंने कप से, डालती दूध। इधर मैं डालूंगी दो कप दूध। अब इनको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से इनको ना अंडों को फेंट लेना है। दूध चीनी अंडे अच्छी तरह से मैंने इनको ना हल कर लिया, मिक्स कर दिया तीनों चीज़ों को। अब ये सूजी और ब्रेड क्रम्स भी ठंडे हो गए हैं क्योंकि ये गर्म में नहीं डालना, अगर गर्म डालेंगे तो फिर वो अंडे के क्रम्स बन जाएंगे तो वो वैसे ही लगेगा जैसे सालन बनाया है। अब ये भी ठंडे हो गए हैं तो अब ये इसमें डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं रखती हूँ इसको चूल्हे पे ताकि इसके अंडे के क्रम्स ना बने। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब रखते हैं इसको चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह, अब इसको हिलाते जाना है।
अभी मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, फिर भी देखे माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा है। इसको लाते जाना ताकि ये अंडा डाला ना इसके क्रम्स ना बने। देखे माशाल्लाह से कोई क्रम्स नहीं बना इसका। कोई क्रम्स नहीं बना। दूध खुशक हो गया। अभी इसकी कर लेते हैं बनाई अच्छी तरह से। बनाई अच्छी तरह से हो गई है। देखे कलर माशाल्लाह से देखे, और घी भी ये देखे सारा निकल आया। अब फ्लेम को करते हैं बंद। ये देखे डिश आउट मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर डालते हैं ये कटे हुए बादाम। मैंने इस पे कोई कलर फूड कलर नहीं डाला, वैसे ही देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है। ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, मगर इसको मेहनत बहुत है। सूजी की बुनाई करनी, ब्रेड की बुनाई करनी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको ये अंडा हलवे की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।